हेलो एवरीवन, नमस्ते। इस वीडियो में हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको जैसे कि कीज बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी, ताकि आपको ग्रामर के क्वेश्चंस इजीली एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकेंगे। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन है, सानवी इज डैश अ स्टोरी, तो रीड रीड्स रीडिंग। जहाँ पर भी गाइस is, am, are, was, were ऐसे वर्ब्स रहेंगे तो हमें वी फोर आई एन जी फॉर्म यूज़ करना है। ओके, क्या करना है, वी फोर में आई एन जी फॉर्म रहता है, वी फोर मतलब आई एन जी फॉर्म रहता है। तो जैसे कि रीड रीड्स रीडिंग में यहाँ पर आई एन जी फॉर्म है तो ये वाला आंसर सिलेक्ट होगा। तो सानवी इज रीडिंग अ स्टोरी। ओके, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि is, am, are, वर्ड्स वर्ड ऐसे रहने से हमें वी फोर यूज़ करना है जो कि आई एन जी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वन, यू डिडेंट डैश टी वी यस्टरडे। यहाँ पर है ऑप्शंस वॉच, वर्स्ट, वॉचिंग, राइट। तो जहाँ पर भी डिड डस डू ऐसे रहने से आपको वी वन फॉर्म यूज़ करना है जो कि बेस फॉर्म रहता है। और यहाँ पर कौन सा वी वन है, वॉच, वॉच्ड, वॉचिंग में वॉच है वी वन फॉर्म। तो यू डिडेंट वॉच टी वी यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट वन, आई हैव डैश माय वर्क। यहाँ पर देखिए डू डस डिड डन, तो जहाँ पर गाइस हैव, हैज और हैड रहता है वहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल जो कि वी थ्री फॉर्म यूज़ करना है। तो आई हैव, तो डू का वी थ्री क्या होता है, डू डिड डन, राइट। सो डू इज़ द वी वन, ये डिड होता है वी टू और डन इज़ द वी थ्री। तो आंसर हो गया डन, आई हैव डन माई वर्क। क्लियर, तो आपको बस यही रूल्स याद रखना है कि ये वाला रहने से हम आई एन जी फॉर्म जो कि वी फोर है, और डिड डज डू रहने से वी वन, एंड हैज़ हैव हैड ऐसे रहने से हमें वी थ्री यूज़ करना है। तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस आए, जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आने से भी आप ग्रामर में इजीली करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए और कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि शी वाज स्टडिंग यस्टरडे एट 7 PM। मैं ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ, जैसे कि स्टडी स्टडीड स्टडिंग, तो स्टडिंग क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन की थी इज, एम, आर, वाज, वर रहने से आई एन जी फॉर्म यूज़ होता है। तो वर्ज है तो इसलिए हमें आई एन जी फॉर्म कौन सा है, स्टडिंग। तो स्टडिंग ये वाला आंसर हम सिलेक्ट किए, ये करेक्ट हो गया। ओके, अभी देखिए आप ये आंसर बताइए, सीमा डिडेंट डैश यस्टरडे, तो डिड डू डस रहने से हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, वी वन, राइट। मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन की, तो यहाँ पर देखिए कौन सा वी वन फॉर्म है, वर्क, वर्कड, वर्किंग, कौन सा होगा, वर्क। सो ये रहा वी वन फॉर्म, तो सीमा डिडेंट वर्क यस्टरडे। क्लियर, नेक्स्ट वन, ही हैज़ नॉट डैश एंड आइसक्रीम बिफोर। तो देखिए हैज़, हैव और हैड रहने से हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, अभी जस्ट एक्सप्लेन की थी वी थ्री फॉर्म, यस। तो देखिए ईट, ईट एन, ईटिंग, यहाँ पर वी थ्री फॉर्म कौन सा है, ईट हो गया वी वन, वी टू होता है एट, ईट एट, और थर्ड वन वी थ्री फॉर्म होता है ईटन, सो ईटन। ओके, सो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको ऐसी वाली वीडियोस जो कि इजीली हम टिप्स, मतलब टिप्स जान के ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।